क्लास रिकॉर्डिंग मोड पर ही है। कल अपन हाइड्रोसियर की बात कर रहे थे। हाइड्रोसियर हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद हम जीरो सियर सक्सेशन की बात कर रहे थे। जीरो सियर सक्सेशन में हम लिथोसियर एंड सैमोसियर, उसके दो टाइप्स पढ़े थे हम। लिथोसियर जहाँ पे बैरन रॉक्स में सक्सेशन स्टार्ट होगा, एंड सैमोसियर की रॉक्स के वेदरिंग या लीचिंग के कारण या फ्रिक्शन के कारण यदि सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है तो सॉइल से जब सक्सेशन स्टार्ट होगा तो वो कहलाता है आपका सैमोसियर। इसके बाद जीरो सियर में मैंने आपको फर्स्ट स्टेज उसका क्रस्टोज लाइकेन स्टेज बता दिया था। क्रस्टोज लाइकेन स्टेज में मैंने आपको बताया था कि एक एल्गल एंड फंगल मेंबर होता है जो कि एक साथ लाइफ स्पेन करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हुए। और इसके हमने कई एग्जांपल्स देखे थे, राइजोकार्पोन, राइनोडिना कल देखे थे हमने। और उसके बाद में जब ये क्रस्टोज लाइकेन स्टेज का क्लाइमेक्स स्टेज आता है, मतलब कि जब इसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद में ये क्या होते हैं, उसी रॉक्स पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं। और डिपॉजिट होने के बाद में इनके डिकम्पोजिशन से ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद ये जो ह्यूमस होते हैं इस लाइकेन के जो नेक्स्ट स्टेज है, मतलब कि क्रस्टोज लाइकेन से जो थोड़े डेवलप लाइकेन के जो कम्युनिटी होती है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करते हैं। एंड सेकेंड लाइकेन कम्युनिटी जो होती है वो आपकी फोलियोज लाइकेन स्टेज कहलाती है। इसके बाद में जीरो सीयर में जो हम सेकेंड स्टेज पढ़ेंगे वो है हमारा फोलियस लाइकेन स्टेज। इस स्टेज में जो लाइकेन कम्युनिटी या स्पीसीज होती है वो डेसिकेशन, हीट, एक्सेसिव कूलिंग, इन सारी चीज़ों को टॉलरेट करने की इसमें कैपेसिटी पाई जाती है। इसका जो ग्रोथ होता है एज कम्पेयर टू क्रस्टोज लाइकेन, इसका जो ग्रोथ का स्पीड होता है एज कम्पेयर टू क्रस्टोज लाइकेन थोड़ा ज़्यादा होता है। इसे जेरिक फोलियोस लाइकेंस भी कह सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल है डर्मेटोकार्पन, पार्मेलिया, अम्बलिकारिया, साइकिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। फ्रक्टोज लाइकेन स्टेज में जो लाइकेन कम्युनिटी होती है, इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो ब्रांच लीफ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। इसमें रूट सिस्टम नहीं पाया जाता, रूट सिस्टम नहीं पाया जाता। बॉडी जो होती है वो थैलॉइड होती है। थैलस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि ऐसे प्लांट स्ट्रक्चर जिनमें रूट सिस्टम नहीं पाया जाता उसमें रूट का मॉडिफाइड पोर्सन थैलस प्रेजेंट होता है। इसी थैलस, इसी सुकाई की सहायता से ये क्या करते हैं, जो सॉइल में या रॉक में प्रेजेंट जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, उनको एब्जॉर्ब करते हैं अपनी ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में। उस वाटर को, उस मॉइस्चर को वो यूज करते हैं। इसके बाद में जो थैलॉइड बॉडी होती है, थैलॉइड बॉडी या थैलस के थ्रू जब वो किसी सबस्टर्नम, किसी रॉक से या सॉइल कंटेंट से जब ये क्या होता है कॉन्टेक्ट में होता है तो उसी स्ट्रक्चर को हम फूट कहते हैं, फूट। और इसी फूट की सहायता से, इसी फूट की हेल्प से वो उस सबस्टर्नम पे जहां पर भी वो प्रेजेंट है या सरफेस पे वो क्या होता है, स्थिर या स्टेबल रहता है। जब किसी और स्थिर और स्टेबल रहने के साथ साथ ये जिस भी रॉक में प्रेजेंट है उसकी केमिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोलियोस लाइकेन जो होते हैं इनका जो डिप्रेशन होता है वो सॉइल पार्टिकल में बहुत डीप होता है, बहुत डेप्थ में ये प्रेजेंट होते हैं। और डेप्थ में प्रेजेंट होके ये ज्यादा से ज्यादा सॉइल पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट करके रखने का फंक्शन करते हैं। सॉइल पार्टिकल, जितना ज्यादा सॉइल पार्टिकल ये एक्यूमुलेट करेंगे उतना ही ज्यादा उस सॉइल में प्रेजेंट जो मिनरल्स एंड सॉल्ट्स है उसको भी वो एक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे ही क्या होता है, जब वाटर कंटेंट यहाँ पर क्या होता है बहुत अधिक होता है और इस वाटर का रिटेन होता है। रिटेन का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रेसिपिटेशन हुआ, रेनफॉल हुआ, या हम क्या कर रहे हैं आउटर सिस्टम से जब वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये जो वाटर है ये रिटेन, रिटेन मतलब सॉइल जो रॉक है या सॉइल पार्टिकल्स है उनके बीच में जाकर वो स्टोर होने लगते हैं। और स्टोर होके क्या होता है उस सॉइल में, उस वाटर के कांटेक्ट में आने के कारण जो मिनरल्स एंड साल्ट्स होते हैं उसका एक थीन लेयर या ऑर्गेनिक मैटर का एक थीन लेयर बन जाता है और उसके ऊपर जो लाइकेन्स के थैलस होते हैं वो कंप्लीटली स्प्रेड हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही इसकी डेथ होती है, फोलियोस लाइकेन स्पीसीज की डेथ होती है, कम्युनिटी की डेथ होती है, ये जीरोफाइटिक मॉसेस के ग्रोथ
ग्रोथ को और ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं या सपोर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? तो फोलियोस लाइकेन कम्युनिटीज जो होती है, जैसे ही उनका क्लाइमेक्स स्टेज आता है, उनकी डेथ होती है, अगेन इनका जो डेड पार्ट होता है उस सॉइल पार्टिकल में डिपॉजिट हो जाता है एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ह्यूमस है ये जेरिक मॉसेस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिम्युलेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपको ये स्टेज समझ में आया? चैट बॉक्स में मैसेज करिए। चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए आपको ये स्टेज समझ में आया। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज, जैसा कि मैंने आपको कहा कि फोलियोस लाइकेन में जो भी लाइकेन कम्युनिटी है, इसकी डेथ के बाद में नेक्स्ट जेरिक मॉसिस स्टेज आता है। मॉसिस प्लांट के बारे में आप सबको पता है, कल भी मैंने आप लोगों को मॉस या सेजेस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो बिल्कुल सेज एंड मॉस जो होते हैं सेम होते हैं, यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते। इनमें क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो स्पोर्स के थ्रू होती है, स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं एंड क्या होता है, कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो स्पोरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। तो मॉस स्टेज में क्या होता है, जैसे ही फोलियोस लाइकेन स्टेज का जब क्या होता है क्लाइमेक्स स्टेज आ जाता है, उसके बाद में कुछ जो जेरिक मॉसेस होते हैं, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फेवरेबल नहीं होता है, तो उसके स्पोर्स जो होते हैं वो रेस्ट पीरियड में होते हैं, विश्राम अवस्था में होते हैं, या क्विसेंट फेज जिसे हम कहते हैं, शांत अवस्था में होते हैं। और जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होता है इनके अकॉर्डिंग, इनके फेवरेबल होता है, इनके अनुकूल होता है, ये जो स्पोर्ट्स है ये जर्मिनेट होते हैं एंड जर्मिनेट होके ये क्या करते हैं, मॉसेस लाइक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम, टोरूला, ग्रीमिया, हाइपनम, ब्रायम, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो मॉसेस होते हैं इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये इरेक्ट प्लांट बॉडी होती है, इरेक्ट मतलब डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में होती है। इसका जो सूट सिस्टम होता है वो लीफी सूट सिस्टम होता है। ये क्या करते हैं, फ्रुटिकोस जो लाइकेन्स होते हैं वो धीरे धीरे उनको क्या करते हैं, ग्रेजुअली उनको रिप्लेस करते जाते हैं और उसकी उनका स्थान लेते जाते हैं। और उसके बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे एरिया में मॉसेस का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब कि ये जो कम्युनिटी है वो उस प्लेस में बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। और जैसे ही इस मॉसेस का क्लाइमेक्स स्टेज आता है, क्लाइमेक्स स्टेज आने पर धीरे धीरे की जो बॉडी होती है वो डिकेड होती जाती है, मतलब उसमें विल्टिंग कॉज होती जाती है, गलन होता जाता है, और एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है। एंड डेथ के बाद में जो मॉसेस की प्लांट बॉडी में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर थे वो सॉइल में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन की प्रोसेस के थ्रू सारे ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, जब बहुत अधिक समय हो जाता है तो जो जहां पर ये मॉसेस प्रेजेंट होते हैं वहां का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो एक टाइम पे जाके बहुत हाई होता है, और हाई होने के बाद में कांस्टेंट हो जाता है, बिल्कुल इक्विवेलेंट स्टेज में आ जाता है। और इक्विवेलेंट स्टेज में आने के बाद में जो वहाँ की सॉइल है, ठीक है, वो जो प्रॉपर एरिया है वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट जो है वहाँ पे प्रेजेंट जो सॉइल कंटेंट है उसके इक्विवेलेंट रहता है। जो आगे की जो प्लांट कम्युनिटीज होती है जैसे कि हर्ब, सर्ब और ट्री, उनके ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद में मॉसिस, क्योंकि हमने देखा था फ्रूटिकोस लाइकेन में भी जो सबस्टर्नम के साथ में उसका अटैचमेंट होता है वो काफी डीपर होता है, वो डेप्थ में प्रेजेंट होते हैं, तो एज कंपेयर टू फ्रूटिकोस लाइकेन मॉसिस जो है वो फ्रूटिकोस लाइकेन से ज्यादा डेवलप्ड है। तो इनका जो अटैचमेंट होगा सॉइल या सबस्टर्नम के साथ में वो और अधिक होगा एज कंपेयर टू फ्रूटिकोस लाइकेन। तो क्या होता है, धीरे धीरे इन रॉक्स में फ्रेगमेंटेशन होता
है एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ये जो सॉइल है विदरिंग की प्रोसेस के थ्रू, ये जो रॉक्स है विदरिंग की प्रोसेस के थ्रू, और ज्यादा फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, मतलब कि बिल्कुल चिकनी मिट्टी, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हर्बेसियस प्लांट के ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। ये था आपका जीरो सीयर का थर्ड स्टेज, मॉस स्टेज। चैट बॉक्स में मैसेज करिए, क्लियर है ये? चलिए, इसके बाद में आपका फोर्थ स्टेज है हर्बेसियस स्टेज। अब हर्ब, सर्ब और ट्री के बारे में हम सब जानते हैं। हर्बेसियस स्टेज दैट मींस ऐसी प्लांट कम्युनिटी जिसमें क्या होगा, प्लांट बॉडी जो है रूट स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंसिएटेड तो रहेगा, बट प्लांट के वैस्कुलर सिस्टम या सेलुलर सिस्टम में कैम्बियम नहीं पाया जाता, ओनली जाइलम एंड फ्लोएम का बना हुआ वैस्कुलर सिस्टम होता है, कैम्बियम नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ की प्रोसेस नहीं होती। डेट मीन्स इसमें वुड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें एनुअल रिंग, वार्षिक वलय का निर्माण, एनुअल रिंग का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, वीक प्लांट्स इसको हम कहते हैं। हर्बेसियस स्टेज में वो सारे प्लांट्स आते हैं। अब मॉस स्टेज के क्लाइमेक्स के बाद में, मतलब उसकी डेथ के बाद में, जब रॉक्स का फ्रेगमेंटेशन होता है एंड ये रॉक्स से फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट जो है एज कंपेयर टू रॉक यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ा हुआ जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो हर्बेसियस प्लांट के ग्रोथ दैट मीन सीड्स के जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो धीरे धीरे सबसे पहले यहाँ पे एनुअल ग्रासेस का फॉर्मेशन होता है। कल हमने ग्रासेस के बारे में पढ़ा था कि साइप्रेसी एंड पोएसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं ग्रासलैंड में वो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, जैसे कि साइप्रस रोटंडस, स्पोरोबोलस, साइनोडॉन डैक्टियोलॉन, ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपका ग्रासलैंड बनता है एंड इस ग्रासलैंड के धीरे धीरे डेवलप होने पर हमको हर्बेसियस स्टेज, मतलब हर्बेसियस प्लांट्स का ग्रोथ हमको दिखाई देता है, जिसके एग्जाम्पल है आपके पोआ, फेस्टुका, अरस्टीडिया, एलुसाइन, लिंडरबर्जिया, ट्राइडेक्स, हेट्रोपोगान, इस तरह के प्लांट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और धीरे धीरे क्या होते हैं, ये मॉसेस के कंपेरिजन जो हर्बेसियस प्लांट का रूट होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि प्लांट बॉडी लीफ स्टेम एंड रूट में डिफरेंशिएटेड होती है, तो जो इसका रूट होता है, रूट सिस्टम जो होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होता है ना, गुरुत्वाकर्षण की तरफ होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, डायरेक्टली लाइट के कॉन्टेक्ट में नहीं होता है। तो इस का जो सॉइल के साथ में अटैचमेंट है वो एज कंपेयर टू मॉसेस और अधिक होगा, मतलब यहाँ पर ये जो प्लांट है हर्बेसियस प्लांट के सॉइल को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होगी इसकी एज कंपेयर टू जो हमने तीन पहले के स्टेज देखे उससे अधिक होगी। इसके बाद में धीरे 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 क्या होगा, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, माइक्रोब्स का नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जो सॉइल है, सॉइल की थिकनेस बढ़ती जाएगी। थिकनेस क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हर्बेसियस स्टेज में जो प्लांट है उनका रूट सॉइल को होल्ड करने की कैपेसिटी उसमें अधिक होती है, तो धीरे धीरे सॉइल का लेयर जो है वो और ज्यादा रिजिड होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, एंड सॉइल का जो थिकनेस है वो बढ़ता जाएगा। और ये जो थिकेंड सॉइल है वो नेक्स्ट स्टेज, जियोसियर के नेक्स्ट स्टेज में प्रेजेंट सर्व स्टेज या सर्व प्लांट्स के ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर सर्व स्टेज आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर्बेसियस स्टेज में आपके जो प्लांट्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। नहीं, कुछ छो प्लांट अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अडाप्ट कर लेंगे, वो सर्वाइव कर जाएंगे। जो नहीं कर पाएंगे वो जितने समय तक कंडीशन को टॉलरेट कर रहे हैं तब तक वो सर्वाइव करेंगे, एंड एट द एंड उसकी डेथ हो जाएगी। जैसा कि हम अभी जहां रहते हैं, हम कहां रहते हैं, हम मेसोफाइटिक कंडीशन में रहते हैं, तो हम अपने सराउंडिंग में हर्ब, सर्ब एंड ट्री तीनों टाइप के प्लांट देख रहे हैं। आपने कहीं भी ऐसा देखा है कि यदि लार्ज ट्री है तो वहां हर्ब और सर्ब नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। हमारे कॉलेज कैंपस में इतने गार्डन से, तीन गार्डन से हमने वहां देखा है कि वहां हर्ब भी है, वहां सर्ब भी है, वहां ट्री भी है। तो हर्बेसियस स्टेज का एंड होके ही सर्ब स्टेज बनेगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको?
ये क्योंकि हम सक्सेशन एक स्टेप बाय प्रोसेस है तो हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि यदि हायर प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो लोअर प्लांट्स की ऑलवेज डेथ होगी, नहीं। वो कंप्लीटली उस स्पेस से चले नहीं जाएंगे, वो विलुप्त नहीं हो जाएंगे। धीरे धीरे जैसे ही उनका क्लाइमेक्स स्टेज आएगा, उनका लाइफ स्पैन खत्म होगा, उनकी जीवन क्षमता खत्म होगी, उनकी डेथ होगी, और डेथ के बाद में उनका डिकम्पोजिशन होगा एंड बॉडी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको नेक्स्ट स्टेज जो है वो यूज करेगा। बेटा वन मोर टाइम क्या बताना है आपको? आप टॉपिक लिखो, क्या टॉपिक? हर्बेसियस स्टेज में वही बता रही हूं आपको। ओके रिकॉर्डिंग मोड में है बेटा क्लास, आप बाद में सुन लीजिए, और थोड़ा क्लियर करके लिखो क्या बताना है आप लोगों को। चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हर्बेसियस स्टेज के एंड के बाद ही सर्व स्टेज बनेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हायर प्लांट्स का ग्रोथ हो रहा है, इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता कि लोअर प्लांट्स जो है उनकी डेथ हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, लोअर प्लांट्स का यदि लाइफ स्पेन कंप्लीट हो गया, उनका जीवन क्षमता, उनका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल यदि कंप्लीट हो गया, यदि कोई एनुअल प्लांट है, कोई एक वर्षीय पौधा है और उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया है, तो वो नेचुरली उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो इसका मीनिंग जो हम सक्सेशन पढ़ रहे, क्योंकि एक स्टेप बाय प्रोसेस है, तो हम ये बताते हैं कि हाँ भाई, इसकी डेथ के बाद में जो ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल के साथ में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, वो नेक्स्ट स्टेज के ग्रोथ के लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। ये मैं आपको बता रही हूं। तो देखिए, हर्बेसियस स्टेज के बाद में हर्ब स्टेज का जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपका सर्व स्टेज। अब सर्व स्टेज में जो जो जीरोफाइटिक सब्स होते हैं, जिसका एग्जांपल है जिजिफस, रूबस, रस, साइकोकार्पस, कैपरिस, जाइगोफाइलम, फ्रेगेरिया, ये सब में क्या होता है, राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोम्स का मतलब क्या होता है, जो रूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम में जो रूट की ब्रांचेस निकलती है वो क्या होती है, उनमें स्प्रेड होने की, फैलने की क्षमता होती है। एंड इसमें क्योंकि जो प्लांट बॉडी होता है वो वेल डेवलप्ड प्लांट बॉडी होती है, रूट शूट एंड स्टेम में डिफ्रेंसिएटेड होती है, वैस्कुलर सिस्टम में जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम तीनों प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर भी सेकेंडरी ग्रोथ की प्रोसेस नहीं होती, डेट मीन्स एनुअल रिंग का या वुड का फॉर्मेशन यहाँ पर भी नहीं होता है। तो अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि फिर कैम्बियम क्यों पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम, जिसे हम क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं, छाल, आप समझते हैं ना, छाल, बार्क जो हम कहते हैं, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के थ्रू उस बार्क का, छाल का निर्माण होता है, सर्ब में छाल का निर्माण होता है। तो वो जो कैम्बियम वैस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है वो वेल डेवलप्ड कैम्बियम नहीं होता, कैम्बियम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में होता है, एंड यहाँ पर क्या होता है, बार्क का, छाल का निर्माण होता है। और इसके बाद में ये जो सर्ब स्टेज में प्रेजेंट जो प्लांट होते हैं वो एज कंपेयर टू हर्ब हाइट में, वीद में ज्यादा बड़े होते हैं, और इनका सॉइल के साथ में जो कांटेक्ट होता है वो एज कंपेयर टू हर्ब ज्यादा डेप्थ में, ज्यादा डीपर होता है, और डीपर होने के कारण में इसमें ये कैपेसिटी होती है कि ये सॉइल को हर्ब से ज्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, एंड मॉइस्चर कंटेंट को, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, ये कंडीशन को फेवरेबल बनाते हैं ट्री के ग्रोथ के लिए। अब जैसे ही सर्व स्टेज में कुछ प्लांट्स का क्लाइमेक्स स्टेज आएगा तो अगेन उनकी डेथ होगी, उनकी बॉडी का डिकम्पोजिशन होगा, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज होगा, वो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के साथ में मिक्स होगा, सॉइल को और ज्यादा फर्टाइल बनाएगा, ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह जो सर्व स्टेज है वो अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करके सॉइल के उस थिकेंड लेयर को और ज्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, एंड ट्री की ग्रोथ के लिए, ट्रीज के ग्रोथ के लिए कंडीशन को फेवरेबल बनाते हैं। चैट बॉक्स में मैसेज करिए, ये स्टेज समझ में आया आप लोगों को? चलिए, इसके बाद में जो
है अपना लास्ट स्टेज जीरोसियर का, वो है क्लाइमेक्स स्टेज। अब अपन ने हाइड्रोसियर में ये देखा था कि एक वाटर बॉडी से कैसे आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम बना, है ना, एक पॉन्ड इकोसिस्टम से किस तरह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम बना हमने वो देखा। तो सेम चीज हम जीरोसियर में भी देखते हैं कि एक जीरोफाइटिक एरिया है, मतलब कि बिल्कुल एक बैरन लैंड है, एक खाली बंजर जमीन, एक बैरन लैंड है। उस बैरन लैंड में कैसे पहले लाइकेंस, फिर मॉसेस, फिर हर्ब्स, सब्स, और उसके बाद में लास्ट में आया ट्री, मतलब कि एक जीरोफाइटिक बैरन लैंड से एक फॉरेस्ट का जो डेवलपमेंट है वही कहलाया आपका जीरोसियर सक्सेशन। तो जीरोसियर सक्सेशन का जो आपका लास्ट स्टेज है, जिसे हम क्लाइमेक्स स्टेज या फॉरेस्ट स्टेज कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका हर्ब, सर्ब एंड ट्री, तीनों का, ठीक है, तीनों के कॉम्बिनेशन वाला ऐसा स्पेस जहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी होगी, वो आपका कहलाया फॉरेस्ट स्टेज। और ये जो है ये जीरोस्फीयर का क्लाइमेक्स स्टेज, और या फिर आप ये कह सकते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी या फाइनल स्टेज, आप इसको कह सकते हैं फाइनल स्टेज होता है। अब यहाँ पे फॉरेस्ट मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, फॉरेस्ट में आपको काफी सारे ट्रीज मिल जाएंगे। हमने देखा है अशोका, यूकेलिप्टस, टिक फॉरेस्ट, ओक फॉरेस्ट, आपने देखा होगा ना सोरिया रोबुस्टा के फॉरेस्ट हमने देखे, सिड्रस देवदारा, मतलब अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंगली हमने काफी सारे फॉरेस्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम सिंपली जब क्लासिफाइड करते, जो कि आपकी बुक में अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, अपन पढ़ते ना टुंड्रा फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, अपन पढ़ चुके हैं। तो अलग अलग प्लांट स्पीसीज एंड अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली फॉरेस्ट स्टेज जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। अब हम जीरोसियर के फॉरेस्ट स्टेज की बात करें, तो जीरोसियर स्टेज में जो डोमिनेट फॉरेस्ट होता है वो होता है टिक फॉरेस्ट एंड ओक फॉरेस्ट, ठीक है। ये था आपका जीरोसियर, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। किसी को कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। चैट बॉक्स में मैसेज करिए, क्लियर हुआ ये? चलिए, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर से कुछ और बचा है तो आप मुझे लिख के बता दीजिए, मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास आपके सिलेबस की बुक नहीं है। यदि इस चैप्टर से कुछ और बचा हो तो आप मैसेज कर दीजिए, और यदि कुछ नहीं बचा है तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिख बता दीजिए मुझे, क्या है नेक्स्ट चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें फिर। चलिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में आप सब जानते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण हम किसे कहते हैं? हमारे कंप्लीट सराउंडिंग को। सराउंडिंग में हमारा लैंड, हमारा एटमॉस्फियर, ठीक है, हम सब कुछ, सब को एक साथ आप क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। मतलब कि ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स को, ऑल बायोटिक कम्युनिटी को, ठीक है, हम एक साथ कहेंगे इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट को मैंने कहा उसको मैं अलग अलग सिस्टम्स में डिवाइड कर दूं। जैसे कि मैं लैंड की बात कर रही हूँ, ठीक है, लैंड की बात कर रही हूँ, तो लैंड में हमारे कितने तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं? हमारे ग्रास लैंड इकोसिस्टम हो सकता है, हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है। यदि मैं वाटर का
कम्युनिटी, सॉरी वाटर बॉडीज की बात करूं तो वाटर बॉडीज में मेरा पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकता है, लेक इकोसिस्टम हो सकता है, मराइन इकोसिस्टम हो सकता है रिवर इकोसिस्टम हो सकता है, या बारिश का जो पानी होता है जो गड्ढे बन जाते हैं रोड में और उसमें पानी भर जाता है और वो पानी स्थिर हो जाता है, वो स्टैगनेंट हो जाता है, स्टैगनेंट वाटर बॉडी। तो आप देखेंगे कि बहुत अधिक समय तक यदि वो डिग बना हुआ है, वो गड्ढा बना हुआ है और उसमें पानी भरा हुआ है, डेट मीन्स यदि वहां पे स्टैगनेंट वाटर प्रेजेंट है तो धीरे धीरे वहां पर एल्गी की ग्रोथ होने लगती है। तो इस तरह मैं इस वाटर बॉडीज को भी अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाइड कर सकती हूँ। लैंड में मैंने आपको बताया ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, अभी अपन ने पढ़ा कि जीरोफाइटिक इकोसिस्टम मतलब कि डेजर्ट इकोसिस्टम भी मेरा हो सकता है। इसके बाद में मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ाया है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने ओनली हैबिटेट के लिए एक दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं, जिसे हम एपिफाइटिक हवा में लटकने वाले हैं ना, एपिफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। तो मेरा एक एपिफाइटिक इकोसिस्टम भी हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है मैं इकोसिस्टम को किस तरीके से क्लासिफाइड कर रही हूँ? अब आप इसमें जनरल इंट्रोडक्शन अगर आपके पास में बुक होगा तो आप पढ़ लीजिएगा कि एजे टैंसले ने क्या बताया इकोसिस्टम के बारे में, और ओडम को, जनरली हम ओडम के अकॉर्डिंगली इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, तो ओडम ने कैसे इकोसिस्टम को डिफाइन किया, क्लासिफाई किया, आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्या होता है इकोसिस्टम को हम एक साथ बायोस्फीयर भी कह सकते हैं, क्योंकि लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, जो भी हो, कहीं पर भी यदि कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म विदाउट एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर के बिना, वातावरण के बिना तो सरवाइव नहीं कर सकता। तो ऑटोमेटिकली आपका जो एटमॉस्फियर है वो आपके इकोसिस्टम में इंक्लूड होता चला जाता है। तो किसी भी तरह का इकोसिस्टम हो, आप उसे एक साथ बायोस्फियर कह सकते हैं। ये ओडम ने बताया कि आप इसे बायोस्फीयर, किसी भी इकोसिस्टम को, ठीक है, जब हम वास्ट फॉर्म में देखते हैं तो हम उसे बायोस्फीयर कह सकते हैं। क्लियर हुआ ये? क्लियर हो गया इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन? इसके बाद में आपका आता है इकोसिस्टम का साइज। तो डिपेंड करता है कि वो इकोसिस्टम, जैसे कि मैंने आपको कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पॉन्ड की, लैक की, रिवर की, मराइन की, स्टैगनेंट वाटर की बात कर रही हूँ, तो क्या होता है साइज तो डिपेंड करता है कि कितने एरिया में हमारा वो इकोसिस्टम फैला हुआ है, स्प्रेड है, उसी पे डिपेंड करता है हर इकोसिस्टम का साइज। और साइज जो है, ठीक है, साइज जो है वो हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होता रहता है हर इकोसिस्टम के अंदर। जो बायोटिक है ना, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट भी चेंज होते रहते हैं। कैसे? उन कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है ना, परस्पर क्रियाएं होती है, इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन, अपन जब पॉपुलेशन इंटरेक्शन करके एक चैप्टर पढ़े थे तब उसमें हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में बात की थी। अगर हम पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं तो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ग्रोथ करते हैं, एंड जब हम नेगेटिव इंटरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो कम्युनिटी के बीच में कॉम्पिटिशन होने लगता है। तो कॉम्पिटिशन में जो डोमिनेट होता है वो सर्वाइव करता है, एंड जो रेसिस से होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। तो सेम वही चीज है कि बायोटिक एंड नॉन अबायोटिक कम्युनिटी के बीच में, कंपोनेंट, सॉरी कम्युनिटी नहीं, कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन भी क्या करता है, साइज को अप एंड डाउन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी इकोसिस्टम के साइज के अकॉर्डिंगली यदि वो बहुत ज्यादा लार्ज इकोसिस्टम है तो उस लार्ज इकोसिस्टम को हम बायोम कहते हैं। क्लियर हो गया जी साइज ऑफ इकोसिस्टम?
चलिए, इसके बाद में आता है आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में सबसे पहले हम नेचर के बेसिस पे देखते हैं नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो प्रकृति में क्या होता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है, प्रकृति के आधार पर होता है, ठीक है। उसका बेसिक जो फाउंडेशन होता है वो नेचर होता है। नेचर ही क्या करता है, उस इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, उस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, उसमें प्रेजेंट कंपोनेंट को सेलेक्ट करता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो एक होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम एंड दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसे हम मैनमेड एक्टिविटीज के अंदर पढ़ते हैं। मतलब हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब किसी इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वो आपका आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, हम अपने घर का गार्डन देखें, हम उस गार्डन में रैंडमली प्लांट्स नहीं लगाते, हम सेलेक्ट कर करके प्लांट्स लगाते हैं। यदि हमें फ्लावरिंग प्लांट्स चाहिए तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएंगे, यदि हमें ऑर्नामेंट्स चाहिए तो हम ऑर्नामेंट्स लगाएंगे, हमें वेजिटेबल यील्डिंग चाहिए, फ्रूट यील्डिंग चाहिए, मतलब कि चॉइस कंप्लीटली किसकी होती है, हमारी होती है। हमने अपने अकॉर्डिंग उस इकोसिस्टम का अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फॉर्मेशन किया है, तो ये कहलाए आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कई लोगों के घर में आपने एक्वेरियम देखा होगा, है ना, तो एक्वेरियम में उन्हें कौन सी फिश की स्पीसीज रखना है ये भी उनकी चॉइस होती है। तो इस तरह के जो इकोसिस्टम होते हैं जिसको ह्यूमंस अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली फॉर्म्ड करते हैं, वो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाता है। क्लियर हुआ ये आपको? मैसेज करिए, क्लियर हुआ ये आपको? चलिए अब अपन नेचुरल इकोसिस्टम की बात करते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में मैंने अभी आपको बताया चार तरह के। सबसे पहले अपन टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं और एक्वेटिक की बात करते हैं। टेरिस्ट्रियल दैट मीन्स लैंडस्केप, एक्वेटिक दैट मीन्स वाटर बॉडीज। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर हम चार मेजर इकोसिस्टम की बात करते हैं। वो चार मेजर इकोसिस्टम है हमारे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड ट्री इकोसिस्टम, ठीक है। अब ये चारों तरह के इकोसिस्टम को मैंने लास्ट चैप्टर में हाइड्रोसियर एंड जीरोसियर के डिटेल में, एक्सप्लेनेशन में मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। क्लियर है ये सबको? बताइए ये क्लियर है सबको? इसके बाद में आता है आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम जो कि वाटर बॉडी में फॉर्म्ड होता है। ये अगेन टू टाइप के होते हैं, आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड दूसरा होता है आपका मराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मराइन वाटर इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है, मराइन वाटर जो होता है, समुद्र का जो पानी होता है, हमें पता है उसमें सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वो जो पानी होता है वो खारा होता है एंड हार्ड होता है, पता है ना आप लोगों को। और ये जो मराइन वाटर इकोसिस्टम होता है, ये काफी सारे फिश की स्पीशीज या फिश की कम्युनिटी के ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हुआ? एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर आपका दो इकोसिस्टम है, एक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड दूसरा है आपका मराइन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर अगेन आप चार इकोसिस्टम पढ़ते हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, स्प्रिंग इकोसिस्टम एंड स्वैम्प इकोसिस्टम। स्वैम्प का मतलब क्या होता है जी? मार्सी प्लेसेस। कल अपन ये पढ़ चुके हैं हाइड्रोसियर में, जैसे जैसे वाटर का लेवल जो है वो कम होता जाता है एंड मड का फॉर्मेशन, कीचड़ का निर्माण, मड का फॉर्मेशन होता जाता है, एंड एक टाइम ऐसा आता है जब सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई होता है, लेकिन ना तो वो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल होता है ना ही कंप्लीटली एक्वाटिक होता है, मतलब कि एम्फीबियन स्टेज के बाद वाला जो स्टेज होता है जहां पे मड का फॉर्मेशन बहुत अधिक होता है एंड वो जो लैंडस्केप है वो ना ही कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल होता है ना ही कंप्लीटली एक्वाटिक होता है। दोनों के क्या होता है, सेंट्रल होता है, दोनों के सेंटर का होता है एंड मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई होता है। तो इस तरह का जो इकोसिस्टम होता है उसको हम मार्सी इकोसिस्टम या स्वैम्प इकोसिस्टम कहते हैं। ये क्लियर हुआ सबको?
मैसेज करिए, ये क्लियर है सबको? इसके बाद में मराइन वाटर इकोसिस्टम में अगेन हम तीन इकोसिस्टम, सॉरी दो इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे। एक होगा आपका सी इकोसिस्टम एंड दूसरा होगा आपका ओशियन इकोसिस्टम, समुद्र और सागर, ठीक है। इसके बाद मैनमेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो मैंने आपको जो बताया कि जिसको हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली फॉर्म्ड करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, मैनमेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। जिसके अंदर आपके क्या आते हैं, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड का मतलब हुआ आपका फील्ड, खेत। खेत में किस तरह की फसल लगेगी, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में, कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप लगेगा, उन क्रॉप्स के बीच में किस तरह का बॉन्डिंग होगा। एक फील्ड में कभी कभी आपने देखा है कि दो क्रॉप्स भी साथ साथ लगते हैं, है ना। तो क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल कंडीशन, एडाफिक कंडीशन, मतलब सारे कंडीशंस को मेंटेन करते हुए क्या करना, किसी भी फील्ड में क्रॉप को लगाना और उसका एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कराना, ये किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमंस पे डिपेंड करता है। तो आपका जो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम है या आपका जो फील्ड है, जो खेत है, ये भी आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आता है। फिर मैंने आपको गार्डन इकोसिस्टम के बारे में बताया। इसके बाद में आपका आता है एक्वेरियम्स, मैंने आपको एक्वेरियम्स के बारे में बताया। फाइटोट्रोन क्या होते हैं, तो सबने देखा होगा कई लोग अपने घर में पॉट्स रखते हैं, अलग अलग पॉट्स में अलग अलग प्लांट स्पेसिस लगा के रखते हैं, और क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक प्लांट ग्रुप को पकड़ लेना, जैसे कि या तो सिर्फ फ्लावरिंग, या तो सिर्फ फ्रूटिंग प्लांट्स, या फिर ओनली वेजिटेबल यील्डिंग, या फिर ओनली ऑर्नामेंट। समझ में आ रहा है आपको, पर्टिकुलर वन ग्रुप ऑफ प्लांट्स का क्या करना, मेंटेनेंस करना, फाइटोट्रोन कहलाता है। तो ये सारे जो होते हैं आपके क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फाइटोट्रोन एंड एक्वेरियम्स, ये सारे आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आते हैं, या इसे आप मैनमेड इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। फिर इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम्स, को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, मंडे को पढ़ेंगे ये। आज जितना पढ़ाया वो आपको समझ में आया, चैट बॉक्स में मैसेज करिए। सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। कैमरा ऑन करिए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। डिस्कनेक्ट करूं? यस मैम, यस मैम।